नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज टेक्निकल अस के परिवार में 50,000 सब्सक्राइबर ऐड हो गए हैं और ये सब आपके सहयोग की वजह से हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके का सपोर्ट मुझे देते रहें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं टेक्निकल वीडियोस को, डिफेंस की वीडियोस को, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन की डिलीवरी 2019 से स्टार्ट होने वाली है। इसके बारे में जानकारी ब्रह्मोस के अधिकारी प्रवीण पाठक ने दी है। प्रवीण पाठक का कहना है कि इस मिसाइल का एक और टेस्ट होना बाकी है। ये टेस्ट साल के अंत में हो जाएगा, यानी कि नवंबर और दिसंबर के बीच में हो सकता है। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के इस वर्जन को भारतीय एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। प्रवीण पाठक ने यह भी बताया कि उन्हें एयरफोर्स की तरफ से इसका ऑर्डर मिल चुका है और हम इस साल के अंत तक टेस्ट पूरा करने के बाद ब्रह्मोस के इस वर्जन को एयरफोर्स को सौंप देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट बन चुकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद भारतीय नेवी के जहाजों को टारगेट कर हमला कर सकते हैं। वर्तमान में भारत ने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर रखा है और यही वजह है कि किसी भी तरीके के आतंकवादी इन जगहों से भारत में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस वजह से भारत की 7,516 किलोमीटर की तटरेखा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि LOC पर BSF ने हाई अलर्ट कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारतीय तटीय सीमाओं पर आतंकवादियों को प्रवेश करवा सकता है। पाकिस्तान की नेवी जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को खास तौर की ट्रेनिंग दे रही है और पाकिस्तान के टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियों INS चक्रा और INS विक्रांत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कुछ दिनों पहले रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका के मुसलमानों को प्रेरित कर उनसे दक्षिण भारत के जरिए आतंकी हमले कर सकता है और यही नहीं, इस चीज में साथ दे सकता है उनका मालदीव। कहीं ना कहीं से पाकिस्तान एक तरीके का ट्रायंगल बना रहा है जो कि किसी भी हाल में वो भारत को घेरना चाहता है, खासकर की तटीय इलाकों में। उसको मालूम है इस वक्त वो ना तो जम्मू कश्मीर से प्रवेश कर सकता है और ना ही वो नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश कर पा रहा है और उसकी यही जो अंदर जो उसके अंदर खलबली मच रही है, इस वजह से वो भारतीय तटीय इलाकों को प्रवेश करने के लिए एक अहम रास्ता ढूंढ रहा है जिसके लिए वो मदद ले सकता है श्रीलंका और मालदीव की। तो दोस्तों, भारत सरकार को अपनी तटीय सीमाओं को भी और ज्यादा सुरक्षित करने की इस वक्त आवश्यकता है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चीन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन अब डोकलाम विवाद से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। टॉप कमांडर्स के बीच काफी समय से पेंडिंग हॉटलाइन और हैंड इन हैंड नाम के वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को फिर से शुरू करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के बीच इन सारे मुद्दों पर गतिरोध आ गया था। मंगलवार को चीन के रक्षा मंत्री वी फेंगे से मुलाकात के बाद PM मोदी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम रखना उस मैच्योरिटी का यानी परिपक्वता का संकेत है जिसके तहत दोनों पड़ोसियों को अपने सारे मतभेदों को निपटाना चाहिए और उनमें विवाद नहीं आने देना चाहिए। PM मोदी ने भारत और चीन के संबंधों को दुनिया में स्थायित्व का एक अहम कारक बताते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य आदान प्रदान सहित सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय संपर्क की बढ़ती गति की तारीफ की है। 24 सदस्यीय टीम के साथ भारत आए वी फेंगे गुरुवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग करेंगे। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल के स्तर की वार्ता होने वाली है। एक अधिकारी के अनुसार मुलाकात के एजेंडे में भारत और पाक के DGMO के बीच की जैसे दोनों देशों के बीच हॉटलाइन और वार्षिक सैन्य अभ्यास और LAC पर टकराव रोकने के लिए विश्वास बहाली के ठोस उपायों पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चंद्रयान 1 को लेकर। आपको बता दें कि चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान के आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा की ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अंधेरे और ठंडे स्थानों पर जल के जमे हुए स्वरूप में उपस्थिति होने की पुष्टि कर दी है। NASA ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। भारत ने 10 साल पहले इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। सतह पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ के मौजूद होने से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आगे के अभियानों पर यहां चंद्रमा में रहने लायक जल उपलब्धता की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों ने NASA के मून मेरोलॉजी मैपर यानी कि M3 से प्राप्त आंकड़ों के इस्तेमाल कर ये दिखाया कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम मौजूद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2008 में प्रक्षेपित किए चंद्रयान 1 अंतरिक्ष के साथ M3 को भी भेजा गया था। आपको बता दें कि ये जलहिम ऐसे स्थान पर पाए गए हैं जहां सूरज की रोशनी यहां नहीं पहुंच पाती है और यहां का अधिकतम तापमान
-156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है। तो दोस्तों इसरो की इस कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों यदि वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई सवाल है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।